नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उमेश टावर में। आज हम महिंद्रा बिलोरो पिकअप के बारे में बात करेंगे। ये 1.7 है कि ये घाट पहाड़ में कहीं भी चढ़ जाती है, आसानी से उतर जाती है। कि माइलेज कितनी है, प्राइस कितना है और डाला की लंबाई चौड़ाई क्या है, इंजन कैपेसिटी कितने हैं, मतलब पूरी जानकारी मिलेगी। तो प्लीज़ वीडियो को आगे तक जरूर देखें। सबसे पहले हम इसी कलर की बात करते हैं, तो कलर जो है इसमें और भी मिल जाएंगी, लेकिन मेन जो है राजा कलर जो है होता है ये सफ़ेद कलर ही होता है। तो यही कलर की पिकअप जो है आप देखे होंगे ज़्यादा जो है चलती हैं। आपको जो है यहाँ पर लोगो मिल जाता है महिंद्रा का, जो इसके लुक्स को और आकर्षक बना रहा है। बढ़िया फ्रेम के साथ मिल जाता है ये ब्लैक कलर की फिनिशिंग के साथ। और अब बात कर लेते हैं, तो इधर ये हेडलाइट लगा हुआ है बगल में। पहले जो हेडलाइट आती थी उनकी तुलना में ये वाली जो हेडलाइट आ रही है अब की जो पिकअप में, वो काफ़ी बेटर है पहले से। और साथ ही साथ यहीं पर हाई क्वालिटी के इंडिकेटर लगे हुए हैं, इस तरफ भी लगा हुआ है, ठीक वैसा ही इस तरफ ही है। ऐसा यहाँ पर भी हेडलाइट है, इंडिकेटर है, यहाँ पर रिफ्लेक्टर मिल जाता है ताकि आपकी गाड़ी खड़ी है तो पता चल सके सामने वाले को यहाँ पर कोई गाड़ी खड़ी हुई है, विशेषकर नाइट में। और यहाँ पर टो मिल जाता है। पट्टे की बात करते हैं तो 6 पट्टे जो है आपको आगे मिल जाते हैं, इसमें कंपनी जो है 6 पट्टे देती है। आप जो है फिर उसके बाद पट्टे जो है और बढ़वा सकते हैं। के जो है 3260 की व्हील बेस मिल जाता है 15 इंचेस के टायर के साथ, 15 इंच के टायर लगे हुए हैं। यहाँ पर फुट रेस्ट मिल जाता है जिससे आप ऊंचाई होने की वजह से आसानी से जो है चढ़ सकें, उसमें उतर सकें, इसलिए फुट रेस्ट मिल जाता है यहाँ पर। यहाँ पर बोलेरो पिकअप FB 1.7T की ब्रांडिंग के साथ मिलती है, जो इसके लुक्स को और एनहेंस कर रहा है। मतलब 5 फीट 6 इंच की चौड़ाई है और 9 फीट की लंबाई के साथ मिलती है, जो काफ़ी बेटर है, बहुत बढ़िया है। और ट्राली और बनवा सकते हैं तो काफ़ी और बड़ा हो जाएगा। 1.7 कंपनी कहती है कि इसमें पेलोड कैपेसिटी है, तो आप जो है कैपेसिटी और बढ़ा सकते हैं, मतलब पेलोड और बढ़ा सकते हैं। अब हम आ जाते हैं रेयर प्रोफाइल में। तो रेयर प्रोफाइल में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर 2 पार्किंग सेंसर लगे हुए हैं, जो आप बैक करेंगे गाड़ी तो आपको इंडिकेट करेंगे कि सामने कुछ है, कुछ मतलब कि ऐसी संभावना बन रही है कि कुछ टकरा ना जाए, इसीलिए ये यहाँ पर सेंसर मिल जाते हैं। बैक लाइट, इंडिकेटर और पार्किंग लाइट दिया हुआ है। ये खुल जाता है और ये जो रबर दिया हुआ है यहाँ पर, यहाँ भी दिया हुआ है प्लस वहाँ भी दिया हुआ है, ताकि ये जो यहाँ पर इसमें जाके टिक जाए और ये इसका मतलब पॉलिश ना उखड़े, इसलिए दिया हुआ है ये रबर। अब इसको बंद कर देते हैं। अब ये भी रबर दिया हुआ है ताकि जो है स्क्रैच ना लगे, क्योंकि ये रबर दिया हुआ है, ऐसे टच कर सकते हैं, ठीक वैसा ही इस तरफ भी है। यहाँ पर स्टेपनी दिया हुआ है इसकी, हैवी चेचिस मिल जाता है। और इसके फ्यूल टैंक की बात कर ले तो फ्यूल टैंक जो है 60 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है इसमें। और पीछे जो पट्टे की बात करें तो 8 पट्टे जो है पीछे लगे हुए हैं, प्लस जो है आप 2 पट्टे और बढ़वा सकते हैं, मतलब 10 पट्टे मिल जाएंगे जो इसके हैवी वेट को आसानी से कैरी कर सकते हैं। और इसका जो है एक्सल के ऊपर पट्टे दिए हुए हैं, जो और बहुत बढ़िया है। पहले जो आता था पट्टे जो है नीचे रहते थे एक्सल के, तो सिर्फ पट्टे पर भार पड़ता था, लेकिन अब जो है एक्सल के साथ साथ पट्टे पर मतलब बराबर भार पड़ रहा है, तो गाड़ी को वेट कैरी करने में आसानी होती है, घाट पहाड़ में कोई समस्या नहीं जाता है। इसके लुक्स को कंपनी जो है बहुत बढ़िया डिप्स तो दी ही है, लेकिन अब जो है इसके लुक्स को और बेटर कर सकते हैं व्हील कवर लगा करके। अभी बोलेरो पिकअप FB 1.7T की ब्रांडिंग साथ मिल जाती है। इससे जो है एयर पास होता है, अगर आपका विंडो बंद है तो फिर भी यहाँ से एयर पास हो जाता है, इसलिए ये दिया रहता है। दोस्तों ये इसका हैंडल दिया हुआ, यहाँ पर फुट रेस्ट मिल जाता है। और इसका जो है ब्लैक कलर का, वाइट प्लस ब्लैक कलर का ORPM मिल जाता है, जो इसके लुक्स को और बेटर कर रहा है, आकर्षक बना रहा है ORPM। अब चलते हैं उसके इंटीरियर के बारे में बात कर लेते हैं। गेट में सबसे पहले यहाँ पर हैंडल मिल जाता है, लॉकर दिया हुआ है, यहाँ पर लॉक कर सकते हैं। विंडो जो है पावर कंट्रोलर नहीं है, इसे जो है कंट्रोल कर देंगे, मैनुअल है। डेस्क जो बोर्ड जो है काफ़ी बड़ा है, लंबा है, लेकिन जो है चौड़ाई इसकी कम है, लेकिन बहुत बढ़िया है, आसानी से यहाँ पर कुछ सामान रख सकते हैं। यहाँ पर भी कुछ स्पेस मिल जाता है और यहाँ पर लॉकर दिया हुआ है, मतलब यहाँ पर आप इम्पोर्टेंट सामान रख सकते हैं। यहाँ पर ब्लैक कलर के
फिनिशिंग के साथ मिल जाता है, जो यहाँ पर बैठ करके आसानी से पकड़ सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। म्यूजिक सिस्टम जो है गोल्ड कलर के फिनिशिंग के साथ मिल जाती है, जो इसके लुक्स को और मतलब बेटर कर रहा है। यहाँ पर म्यूजिक सिस्टम कंपनी जो है नहीं देती है, लेकिन आप जो है बाद में इंस्टॉल करा सकते हैं म्यूजिक सिस्टम। यहाँ पर म्यूजिक सिस्टम इंस्टॉल करा सकते हैं। यहाँ पर जो है कुछ और स्पेस मिल जाता है मोबाइल वगैरह रखने के लिए, यहाँ पर कुछ स्पेस दिया हुआ है। और यहाँ पर 12 वोल्ट की चार्जिंग पॉइंट दिया हुआ है, मतलब आप मोबाइल चार्ज वगैरह कर सकते हैं यहाँ से। ये जो है 5 गियर की गाड़ी है प्लस रिवर के साथ। ये वाली सीट है, इसमें जो है आसानी से 2-3 बंदे यहाँ पर आराम से बैठ सकते हैं। प्लस जो है इसमें जो सेफ्टी के लिए सीट बेल्ट दिया हुआ है, और यहाँ पर ये लाइट दिया गया है। और इधर जो है बैक खिड़की मिल जाता है यहाँ पर, जो काफ़ी बड़ा है, ये छोटा सा नहीं है। कोई और गाड़ियाँ आती है उसमें जो है छोटा होता है, लेकिन इसमें जो है काफ़ी बड़ा खिड़की जो है मिल जाता है, जो आसानी से आप बैठ कर देख सकते हैं। यहाँ जो बंदे बैठे हुए हैं वो भी आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पर एनालॉग प्लस डिजिटल मीटर दिया हुआ है, स्पीडोमीटर जो है दिया गया है यहाँ पर। और यहाँ पर जो है किलोमीटर कितना चल गया, एवरेज कितना देगी, अभी कितना किलोमीटर और गाड़ी चलेगी, मतलब यहाँ पर दिखाएगा डिजिटल में। तो आप बात कर लेते हैं हम इसकी स्टीयरिंग, तो स्टीयरिंग जो है पावर स्टीयरिंग दिया गया है यहाँ पर। ये सिल्वर कलर का मिल जाता है यहाँ पर, मतलब फिक्स कर सकते हैं, मतलब लॉन्ग रोड पे चल रहे हैं तो यहाँ पर जो है पकड़ करके फिक्स कर सकते हैं इसको। यहाँ पर जो है ये वाइपर वॉशर कर दिया गया है पॉइंट। और तो यहाँ पर जो है हेडलाइट कंट्रोलर है, इंडिकेटर दिया हुआ है इसमें ये वाले पॉइंट में। और यहाँ पर कुछ और स्पेस मिल जाता है, ये रेजिग्नेशन का बटन दिया हुआ है यहाँ पर। ये हेडलाइट कंट्रोलर है, यहाँ से हेडलाइट कंट्रोल कर सकते हैं। ABC एक्सेलेरेटर ब्रेक क्लच सिस्टम के साथ मिलती है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जो है इसका हैंड ब्रेक दिया हुआ है, यहाँ पर हैंड ब्रेक है, हैंडल है, पावर विंडो यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ से आपका हैंड डाउन कर सकते हैं, लॉक दिया हुआ है, हैंडल दिया हुआ है। सीट जो है एडजस्टेबल है, ये ड्राइवर सीट, और वो वाला सीट जो है एडजस्टेबल नहीं है। ये काफ़ी स्पेस मिल जाता है सीट के पीछे जो है, यहाँ पर आप टूल बैग्स वगैरह रख सकते हैं आसानी से। अब हम जो है इसका इंजन की बात कर लेते हैं। इसका कंट्रोलर है, ये यहाँ से कर दिए, खोलिए इंजन। अब जो है हम बोनट उठा करके इंजन की बात करते हैं। तो दोस्तों अब हम इंजन की बात करें तो महिंद्रा बिलोरो का ट्राई एंड टेस्टेड इंजन है, 4 सिलेंडर विद 2523 cc का इंजन है। और वहीं पर पावर की बात करें तो 75 BHP का पावर जनरेट करता है, और 200 Nm का टॉर्क के साथ। और माइलेज की बात करें तो 17.5, मतलब 17.5 की माइलेज मिल जाती है। यहाँ पर जो है रेडिएटर मिल जाता है, कूलेंट मिल जाता है, यहाँ बैटरी दिया हुआ है, ये फिल्टर है, ये फ्यूज मतलब दिया हुआ है, लाइट कंट्रोलर का हेले वगैरह रहता है, ब्रेक ऑयल डिब्बा है, ये एयर फिल्टर है इसमें, मतलब काफ़ी विस्तार से जान गए होंगे आप इंजन के बारे में, गाड़ी के बारे में। प्राइस की बात करें तो यहाँ अनूपपुर में महिंद्रा भगवती शोरूम में जो है ऑन रोड प्राइस जो है 10,41,000 रुपये ऑन रोड प्राइस है इसकी। आप जो है डाउन पेमेंट जो है 50,000 जमा करके गाड़ी जो है ले सकते हैं, इसमें फाइनेंस हो जाएगा। यहाँ पर फाइनेंस की सुविधा है, HDFC, चोला मंडलम, HDB, मतलब बहुत सारे फाइनेंस की सुविधाएं जो है कंपनियां हैं, जो उनकी सुविधा जो है आपको मिल जाएंगी। हो गए दोस्तों, हमने इसे गाड़ी के बारे में लगभग पूरा बात कर लिया है, इसके फीचर्स के बारे में, इसके माइलेज के बारे में, प्राइस के बारे में, लोडिंग कैपेसिटी कितनी है, फ्यूल टैंक कितने लीटर का है, इंजन कैपेसिटी कितनी है। आपका जो भी डाउट रहा होगा, जो भी आप जानना चाह रहे होंगे महिंद्रा पिकअप 1.7 के बारे में, वो सब आपने सब जान लिया यह वीडियो में, आप 1.7 पिकअप के बारे में। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताना, और यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये भी हमें नीचे प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।